तो एक्वेरियम क्लीन करने का भी एक टेक्निक होता है, ठीक है, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जैसे ये गंदे हो रखे हैं, ये क्लाउडी हो रखा है, ये वाला एक्वेरियम भी गंदा हो रखा है, कुछ भी स्किप हो गया तो ये आपके फिशेस के लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सबका फिर मेरे YouTube चैनल पर, एफके एक्वेरियम एंड पेट्स पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है एक्वेरियम क्लीनिंग पर। जैसे कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे, आप समझ गए होंगे, मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि मैं अपने सारे एक्वेरियम्स कैसे क्लीन करता हूं, ठीक है। आप भी ये प्रोसीजर अपनाएंगे तो आपके एक्वेरियम भी अच्छा मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। हमारे पास कस्टमर्स के ज़्यादा कंप्लेन आती हैं कि हमने एक्वेरियम क्लीन किया था, उसके कुछ दिन बाद फिशेस मर गई। तो एक्वेरियम क्लीन करने का भी एक टेक्निक होता है, ठीक है, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो बिल्कुल भी देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि देखिए यह एक्वेरियम भी कितना येलो रखा है, ठीक है, यह एक्वेरियम आपको दिखाता हूँ। देखो ये जैसे ये गंदे हो रखे हैं, ये क्लाउडी हो रखा है, ठीक है, ये वाला एक्वेरियम भी गंदा हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे ये सारे के सारे एक्वेरियम जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे गंदे हो रखे हैं, ये सारे अभी मैं आपको क्लीनिंग करके दिखाता हूँ कि इनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना गाइस, कुछ भी स्किप हो गया तो ये आपके फिशेस के लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। पहले एक फॉर्म ले लेना है, मैंने ये स्पंज लिया है, ठीक है, आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म से आपने क्या करना है, पहले अंदर चारों तरफ एक्वेरियम के जो ग्लास है अंदर से नीचे से बेस है जो इसका, चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लेना है इसको, ठीक है। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं, ऐसे आपको एक्वेरियम को धीरे धीरे यहाँ से ऐसे क्लीन करते जाना है ना, फिशेस को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी में हलचल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, पहले साइफन पाइप ले लेना है, ठीक है, पानी हम कम करेंगे इसमें, ठीक है, पानी आपने नीचे से पांच उंगली जितना पानी छोड़ लेना है, पांच उंगली जितना नीचे पानी छोड़ लेना है, ठीक है, और फिशेज एक्वेरियम से नहीं निकालेंगे हम। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, लोग गलती ज़्यादातर यही करते हैं, एक्वेरियम से फिशेज निकाल लेते हैं, एक्वेरियम से फिशेज नहीं निकालना है, एक्वेरियम के अंदर फिशेज रहेंगी, ठीक है, बस हम कितना पानी छोड़ेंगे नीचे से पाँच उंगली जितना बाकी का पानी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और नीचे जितना भी गंद है हम इसको साइफन के साथ क्लीन करते जाएंगे। जो आपने मिरर क्लीनिंग करी थी, ठीक है, मिरर क्लीनिंग करने के बाद जो नीचे गंद बैठ गया था शीशे में, वो सारा का सारा हम इस साइफन पाइप के थ्रू सारा खींच लेंगे। तो पानी हमने इतना छोड़ दिया है इसमें, कोई कोई लोग बोलते हैं कि पानी बहुत गंदा हो गया इसलिए पूरा चेंज कर दिया था, पूरा कभी भी नहीं चेंज करना होता है, एक्वेरियम को कभी भी 100% क्लीन नहीं करना होता है दोस्तों, 20% एक्वेरियम को छोड़ना होता है, क्योंकि वो एक फिशेस एक उस चीज़ में ढल चुकी हैं, ठीक है, एक गुड बैक्टीरिया पानी में पैदा हो चुका है, अगर आप पूरा पानी चेंज करेंगे एक सारा गुड बैक्टीरिया मर जाएगा, फिर से गुड बैक्टीरिया को बनने में टाइम लगेगा, तब तक फिशेस को बैड बैक्टीरिया उनके बॉडी में लग जाएंगी, फिर उनको फंगस लगता है, ईच लगती है और वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए पानी हरदम ना छोड़ना ही छोड़ना है आपको, पानी आपका देख मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि एक्वेरियम गंदा नहीं होता है इतना पानी छोड़ने से, एक्वेरियम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी जैसे हमने इस एक्वेरियम का पानी निकाला वैसे ही सारे एक्वेरियम को वही प्रोसेस रहेगा मेरा, ठीक है, पांच उंगली जितना पानी छोड़ेंगे और बाकी का सारा पानी निकाल लेंगे सभी एक्वेरियम में, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें भी पानी चेंज करना है, तो देखते जाइए कि मैं कैसे एक्वेरियम को क्लीन करूँगा, और उसके बाद पानी चेंज करने के बाद जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब में हमने पानी कम कर दिया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सब में पानी कम हो चुका है, और अब हम
जैसे कि इसमें भी देखिए ये वाला टिम फॉल वाला भी टैंक है, ये भी पानी कम हो गया, गोल्ड फिश वाला भी है ये भी कम हो गया, शार्क वाला भी कम हो गया, ब्लू गोल्ड वाला भी कम हो गया और कोई फिशेस वाला भी पानी कम हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे पानी फिल। तो दोस्तों सभी एक्वेरियम में पानी डाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको मैं एक्वेरियम का कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप एक्वेरियम, हल्का सा आपको हल्का सा थोड़ा सा क्लाउडी सा लग रहा होगा, वो थोड़ी देर का ही है। थोड़ी देर में फ़िल्टर चलेगा। फ़िल्टर आप लोगों ने क्या करना है, पानी जैसे एक्वेरियम हो अपना फ़िल्टर भी क्लीन कर लेना है। थोड़ा जो क्लाउडीनेस होगा वो फ़िल्टर कर देगा क्लीन, आपका 2-3 घंटे में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा प्रॉपर, ऐसे जैसे ये एक्वेरियम हो रखा है। देख रहे हैं आप क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जैसे इसका बिल्कुल ऐसे प्रॉपर क्लीन हो जाएगा आपका एक्वेरियम। इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, आप पहले और आपका कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी बदलाव है एक्वेरियम में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब करना क्या है आपने पानी डालने के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये अभी 2 घंटे बाद की वीडियो है और आप देख सकते हैं कि पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। अब आपको कोई भी क्लाउडीनेस भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा और फिशेस आपको सारी की सारी हेल्दी दिखाई दे रही होंगी। फिशेस को कुछ भी स्ट्रेस महसूस नहीं हुआ एक्वेरियम चेंज करते टाइम, मेन यही होता है, फिशेस स्ट्रेस में चली जाती हैं। आप एक दूसरे से, एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी ऐसे करते रहते हैं, एक्वेरियम को निकालेंगे दूसरी बाल्टी में डालेंगे फिर उसको वापस दूसरे एक्वेरियम में डालेंगे, इससे फिश स्ट्रेस में चली जाती है, 2-3 दिन में ही डेड हो जाती है। हमारे फिशेस देखिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारी हेल्दी और एक्टिव फिश हैं। अब जो आप 3 मेडिसिन देख रहे हैं, एंटी फंगस, एंटी इच और एंटी क्लोरिन, अब हम तीनों मेडिसिन का इसका यूज़ करेंगे। कितना यूज़ करना है ये आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने पहले लेना है एंटी फंगस। एंटी फंगस हम एक ढक्कन डाल लेंगे, एक ढक्कन आपने एंटी फंगस डाल लिया, ठीक है। अब हम इसको एक्वेरियम में डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया एंटी फंगस का यूज़। सेम एज इट इज़ ब्लू मेडिसिन लेना है आपने, ठीक है। ब्लू मेडिसिन लिया आपने, ये ब्लू मेडिसिन भी आपने एक्वेरियम में अपने डाल देना है। इससे क्या होगा, कोई भी एक पानी में अगर कोई भी इच फंगस टाइप का ऐसा भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी पानी में, ये दोनों मेडिसिन से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आपसे 1.5 से 2.5 फिट तक के टैंक में डाल सकते हैं एक एक ढक्कन, ठीक है। और जो जो समरसीबल का पानी यूज़ करते हैं एंटी क्लोरिन, तो उनके लिए मस्ट है, वो एंटी क्लोरिन ज़रूर डालें उसमें। तो दोस्तों देखा, जैसे कि आप लोगों ने, मैंने अपने एक्वेरियम्स को कैसे क्लीन करा। मैं अपने एक्वेरियम्स को ऐसे ही मेंटेन रखता हूँ, मैं अपने फिशेस को अपने ऐसे ही हेल्दी रखता हूँ, इससे मेरे फिशेस काफ़ी हेल्दी रहती हैं और काफ़ी हैप्पी रहती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते होंगे कि देख रहे हैं आप, हाथ को फॉलो करते हैं तो ऐसे खुश रहती हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के एक्वेरियम्स क्लीन होते हैं और उनके 1-2 दिन बाद फिशेस मरना शुरू हो जाती हैं, वो स्ट्रेस में एक तो चली जाती हैं। कभी भी एक्वेरियम्स को पूरा क्लीन नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पानी को पूरा क्लीन नहीं करना चाहिए। तो यही आप चीज़ को फॉलो करें, ठीक है, आपके फिशेस काफ़ी हेल्दी रहेंगी और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।